मेरिट्स ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड, नंबर फर्स्ट मेरिट इज़ के ये कन्वीनियंट है, ठीक है, एंड सिंपल टू ऑपरेट. सो वी कैन से इट्स अ कन्वीनियंट एंड सिंपल टू ऑपरेट. ये आपको याद रखना है सारा. नंबर दूसरा मेरिट क्या है ग्लास इलेक्ट्रोड का, ठीक है, नॉट जैसे कि बाकी में होता है ये सब, इसमें नहीं होता है, नॉट ईजिली पॉइजन्ड. जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपने देखा वो पॉइजन होता है किसी और गैस के इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने से, ठीक है, तो अगर इसमें होगा ये सब, ये इजिली पॉइज्ड नहीं होता है, ठीक है. नंबर थर्ड मेरिट क्या है, रिजल्ट्स आर एक्यूरेट. जो रिजल्ट्स आप इस जब आप इस वाले इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हो ना, ठीक है, एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड कपल विद दिस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड विद एनी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जब आप वट एवर जब आपको जो भी डिटरमिन करना है, पीएच डिटरमिन करना है, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन डिटरमिन करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन करना है, तो वो सारे के सारे आपको क्या रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं, ठीक है. नंबर फोर्थ मेरिट इज कैन बी यूज्ड इन कलर्ड एंड टर्बिड सॉल्यूशंस, वट एवर आपकी सॉल्यूशंस कैसे हो, कलर्ड हो, टर्बिड हो, जिसमें टर्बिडिटी हो, ठीक है, तो सारे के सारे सॉल्यूशंस में आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, ग्लास इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, बाकी में हो सकता है. एंड नंबर फिफ्थ मेरिट इज़ क्या है, इट्स एक्टिविटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. चाहे कितना भी आपका क्या है रिड्यूसिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ठीक है, उससे इस वाले इलेक्ट्रोड को, इसकी एक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. सो सी हाउ द इम्पॉर्टेंट इज़ दिस ग्लास इलेक्ट्रोड एंड व्हाट आर इट्स मेरिट्स, ठीक है, जो इसके मेरिट्स है ये किसी और इलेक्ट्रोड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी इलेक्ट्रोड में सारे मेरिट्स मिल सकते हैं, बाकी में एक दो मिल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेरिट्स है, ठीक है, फाइन, ये ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ आपको ऐड कर लें.